वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने देखा होगा यार, मौसम बहुत ज़्यादा शानदार हो गया। पीछे से चौंध आ रही है, बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और मौसम विभाग का भी एक अपडेट था कि यार अगले एक दो घंटे के अंदर अंदर 30 से 40 किलोमीटर के आसपास जो है ना, पिंक सिटी के आसपास जो है वो भारी तूफान आ सकता है, आंधी भरा। तो इसलिए क्या है कि यार पहले हम निकले नहीं थे, लेकिन अभी क्या है, दादी जी और बुआ जी के साथ में क्या है, हमारे को जो मेरी कज़िन बुआ है, दादी की बड़ी सिस्टर की बेटी, उनके घर पे जाना है। क्योंकि जो बड़ी दादी है वो आई हुई है बीकानेर से, तो काफ़ी दिन से दादी मिलने जा नहीं पाई थी, तो बस यार वहीं पे निकल रहे हैं। तो जी बस निकल पड़े हैं घर से, दादी जी, बुआ और मैं। और सामने आप लोग मौसम देख रहे होंगे, बढ़िया एकदम शानदार हो गया है, क्योंकि थोड़ी बहुत बौछार हुई थी, इसके बाद में मौसम खुल गया। आंसर ही नहीं आ रहा उसको। बोले कितने तीतर है मैं नहीं बता सकती तुम्हें, गूगल से पूछ लो आप। तो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। वो गया है कहीं तो नोल्टी वनोल्टी मसूरी के आसपास, वहाँ पे गया वो पालम जो। शानदार खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं, सनसेट होने को है। और हम लोग हैं अभी जवाहरलाल नेहरू JLN मार्ग के ऊपर, और बढ़िया एकदम ड्राइव को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। नहीं मेरे को पता है कि बुआ बता नहीं पाएंगी एक समय। तो जी पहुंच गए बुआ और फूफा जी के घर पे जगतपुरा के अंदर, और हमारी दादी जी और बुआ को मैं लेकर के आया हूँ। बस यार गाड़ी जो है ना थोड़ी सी रोड पे आ रही थी, तो गाड़ी को ठीक कर रहा था और मैं भी अंदर जा रहा हूँ। और क्या है कि दादी जी की क्या है तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, इस वजह से आ नहीं पा रही थी। मैं मेरी दादी जी की बात कर रहा हूँ, और जो बड़ी वाली सिस्टर हैं जिनसे हम मिलने आए सुशीला दादी जी से, उनके क्या है डायबिटीज़ वगैरह है शुरुआत से, तो वो भी काफ़ी टाइम से इधर आई हुई थी। वही राम राम सभी को, और बड़ों को प्रणाम। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। कल मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया था, क्योंकि दादी और बुआ जी के साथ में गया था, फिर उतने टाइम बाद जो है बड़ी दादी से मिलने का मौका मिला, फिर IPL का मैच चल रहा था, चेन्नई का और राजस्थान का, नहीं राजस्थान का और किसी और का था, है ना, चेन्नई नहीं थी साथ में शायद, तो वो देखने में है ना टाइम लग गया, मतलब उसके अंदर बैठे हुए थे और सारे भाई भाई जितने भी हैं सब एंजॉय कर रहे थे। तो इस वजह से क्या है कि व्लॉग कर नहीं पाया, और अच्छा लगता भी नहीं है बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठे हुए और आप सीधे कैमरा ऑन करके बैठ गए हो। और कल का मौसम तो यार आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मतलब इतना ज़्यादा शानदार हो गया था, एकदम से तेज़ी से क्या आंधी वगैरह चलने लग गई और होठ थोड़े से फट गए ना, तो इस वजह से क्या घी लगा के आए। देसी घी से बढ़िया इलाज तो किसी चीज़ का होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ में देसी घी लगा लो आप। यार मेरी फिएट लीनिया के अंदर जो चुहिया आ गई थी ना, जो कि डिक्की में मेरे को दिख रही थी और फिर मिली नहीं थी, गाड़ी साफ़ करवाने वाले भैया को भी बोला था, वो भी ढूंढे तो उनको भी नहीं मिली थी। उसका भी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक बार रेड लाइट पर रुक जाऊँ। जैसे ही मैं घर से निकलते पहली रेड लाइट पर पहुँचा ना, पहुँचते ही एकदम से पीछे से है ना एक, मतलब यहाँ से मेरे को इस कांच में दिखाई दी राइट वाले जो मिरर के अंदर है रियर व्यू में, कि है ना एक छोटी सी चुहिया भग रही है इधर से उधर, है ना, और सामने वाला ट्रैफिक तो आ ही रहा था तेज़ी से, तो यार बहुत ही प्यारी सी थी उछलते हुए, ये वो दो चार एक्टिवाओं के सामने से निकली, मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था निकल जाए निकल जाए, फिर एक बाइक के पीछे वाले टायर के नीचे आई इधर करके, यार वो पिचक के मर गई। यार ऐसी डेथ भी नहीं चाहिए थी। यार हम तो जीव हत्या है ना सपोर्ट करते नहीं है, ना मैं कभी करूँगा, इस वजह से मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं किसी और ने मारा है खा रहे हैं, आप लोगों के भी अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो मैं किसी की ओपिनियन को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ। और दूसरा जिस तरीके से डेथ हुई ना, फिर एक गाड़ी के नीचे आके पिचक के वो मरी, अच्छा नहीं लगा यार। मतलब मैं बार बार यूँ देख रहा था ट्रैफिक में इधर उधर, भी मेरा पूरा ध्यान भटक गया यार कि कहीं मैं गाड़ी घुस नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। कि आप लोगों के यहाँ पे वेदर कैसा है ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे तो क्या है कल बहुत शानदार मौसम हुआ था ना, और बरसात वगैरह भी हुई थी, एकदम तेज़ी से बरसात हुई थी हमारे तो एरिया के अंदर, और कुछ एक लोकेशंस के अंदर थोड़ी तेज़ भी झमाझम बारिश हुई थी। तेज़ हमारे यहाँ भी हुई थी, लेकिन दो एक मिनट के लिए मुश्किल से, फिर उसके बाद आंधी और ठंडी हवाएं, ये सब ये रेगुलर 4-5 घंटे तक रहा था, लेकिन कुछ एक लोकेशंस के अंदर तेज़ बारिश वगैरह थोड़ी देर तक हुई थी। इस वजह से आज जो है ना मौसम एकदम खुला खुला है, धूप है पड़ी है, पर एकदम चिलके वाली धूप होती है ना वो नहीं पड़ी है, और एकदम बढ़िया एकदम प्लीजेंट वेदर है। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब है ना सामने खड़े हुए थे, सामने से इधर आकर के खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि हरियाणा नंबर की गाड़ी है एक वहाँ पे सामने स्विफ्ट डिजायर, जो अगर आपको दिख रही हो बैक ले रही है धीरे धीरे, इसने पूरा आगे मेन रोड तक ले लिया था। अब इसकी क्या है बत्ती बुझाने के लिए यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब पहले खड़े हुए, क्योंकि आगे लेकर के आगे खड़ा हो चुका था। बालाजी महाराज की जय हो, जय हो बालाजी महाराज के, एकदम साफ दर्शन मिल जाते हैं ना, क्लियर विजिबिलिटी, और भी मज़ा आ जाता है। बाकी तो क्या है कि देखो विजिबिलिटी हमेशा बालाजी से और आपकी क्लियर ही रहेगी, अगर आपका मन साफ है और कोई द्वेष वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप घर पे बैठे हुए भी दर्शन करो तब भी एक ही बात है। हमारा जो सनातन धर्म है उसकी यही खूबसूरती है कि आप कहीं से भी याद करें भगवान जो है आपके साथ हैं। हम यार बढ़िया बढ़िया आम बिक रहे हैं एकदम शानदार,
आम का फुल ऑन मौसम आ चुका है और बढ़िया आम बिक रहे हैं, और खाने का मन भी था कि यार आम रस वगैरह पिए या फिर आम ही खा लें, परंतु एक दुविधा है कि हमार हो रहा है गला खराब और 4-5 दिन हो गए हैं खांसी वासी खराश हो रही है। हालांकि मेरे को पता है कि इसको ठीक कैसे करना है, गार्गलिंग वगैरह करके अगर मैं गार्गलिंग थोड़ा सा भी है ना फ्रीक्वेंटली कर लूं तो ये ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा सा आलस के चक्कर में हम आलस के मारे हो रहे हैं अभी, इसलिए आम नहीं खा पाएंगे। और दूसरा, इसी से मेरे को गले ख़राब से याद आया कि कोविड के जो वापस से संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। संक्रमण तो ठीक है हम लोगों के बीच में था, लेकिन क्या है वापस से पेशेंट्स वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं मरीज। इसलिए आप लोग जो हैं, अगर आपके कोई भी सिम्टम ऐसा दिखे आपको कि हाँ जी कुछ है ना आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से जैसे गार्गलिंग से मैं बोल रहा हूँ मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके कोई भी चीज़ है ना सिम्टम ऐसा आ रहा है जो कि आपके नेचुरल प्रोसेस से ठीक नहीं हो पा रहा है और 2-4 दिन हो गए हैं या 5-7 दिन हो गए हैं, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करा लीजिए, जिससे कि क्या है आप और आपके परिजन सभी के सब सुरक्षित रहें। ये क्या हो गया भैया, उल्टे हाथ पे राड़ा हो गया, क्या हो रहा है? ये शादी हो रही है लगता है, शादियों का सीजन फुल ऑन स्टार्ट हो चुका है। अक्षय तृतीया जो आई थी ना वो वहाँ से अबूझ सावा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया और शुभ दिन होता है अक्षय तृतीया को। परचेजिंग के हिसाब से लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ घोड़े इतने खरीदते हैं ना जम के पूछिए मत, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और मैं जा रहा हूँ यहाँ महेश नगर में से होते हुए सीधे रजत पथ मानसरोवर। रजत पथ पे क्या है मेरे को कुछ काम है और एक दो भैया वगैरह हैं उनसे भी मिलना है काम के बाद में। करीब 8-10 दिन से देख रहा हूँ मैं, ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क थी, अब ये कितनी ख़त्म हुई पड़ी है इस मिट्टी की वजह से। और आपको पता है इस मिट्टी की वजह से क्या होता है, मैं वापस से वही चीज़ बोलूँगा, अब जैसे बाइक वाले चल रहे हैं या स्कूटर वाले चल रहे हैं, इवन मैं खुद जब एक्टिवा पे चल रहा होता हूँ ना, ये दरदराट जो है ना इस पे भाई साहब जो स्लिप होकर के गिरते हैं ना यार, दूसरा धूल मिट्टी इतनी हुई पड़ी है। काम चालू हो के काम ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद पता नहीं है ना जो ये ठेकेदार होते हैं प्रशासन होता है क्या सोचता है ये लोग, क्या ठीक है मिट्टी उड़ उड़ के अपने आप ही हट जाएगी है, या फिर लोग गिरेंगे पड़ेंगे घिसेंगे एक्सीडेंट होंगे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, ठीक है? क्योंकि बाकी सब तो बड़ी गाड़ी घोड़े में चलते हैं, 2-व्हीलर पे कौन चलता है, लेकिन क्या है ना यार कि सोचना चाहिए। मैं भी आपको और दिखाता हूँ आगे, इस काम को ख़त्म हुए कम से कम 7-8 दिन हो गए। ये देखिए गाड़ी वाड़ी भी कितने ज़्यादा ध्यान से निकल रही हैं क्योंकि गड्ढे हैं, मेरी खुद की गाड़ी अभी थोड़ी सी हिली है और आगे और भी बड़ा गड्ढा है, ये पूरी की पूरी रोड का सत्यानाश हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ ये रोड पे इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई है, रोड पहले ही छोटी है उस पे और रोड कम हो जाती है। मेरा कंसर्न कोई किसी को हेट देने के लिए नहीं जागता है कि हाँ जी टोकने के लिए या फिर बुराइयाँ मारने के लिए, नहीं जी कंसर्न इसलिए जागता है क्योंकि ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें हैं ये, बहुत बेसिक, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में स्टार्ट होती हैं, ये सड़क पानी ये सब जो है ना बहुत बेसिक दिक्कतें ग्रास रूट लेवल की। हमारे जैसे लोगों को तो क्या है लोग पागल मानते हैं जो ऐसे सीट बेल्ट लगाते हैं ना और रेड लाइटों पर रुकते हैं, हमारे को मानते हैं कि बोले बावला है ये, तो इसके पास तो टाइम ही टाइम पड़ा है, क्योंकि क्या है ना कि बाकी तो उनके बावला पंती तो कभी ना कभी जिस दिन समय ख़राब आता है ना घुस जाते हैं किसी में, और घुसने की वजह से खुद घुसो खुद मरो ना, वो तो क्या है तुमने चुनी है वो अपनी मौत, लेकिन क्या है कि दूसरे में घुसते हो ना, दूसरे का क्या कसूर है यार, क्या उसकी है ना मतलब गलती थी कि भैया दूसरे में भी तुम घुस गए, वो अपने परिवार से ना मिल पाया या फिर ICU में पहुंचा दिया तुमने, उसके साथ क्या कर दिया। तो गन्ना जूस पी लेंगे यार, पर गला तो ख़राब है, चलो रहने देते हैं। क्या बात है, बढ़िया है ना, एकदम जैन मंदिर डेवलप किया जा रहा है शानदार तरीके से, देखिए खूबसूरत वर्क हो रहा है, एकदम एक्सटेंड किया जा रहा है मंदिर, तो पहले से ही था ये वाला। जैनीज जो होते हैं ना यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरे को मतलब है ना इनकी कास्ट लगती है, कास्ट क्या मतलब यार जो भी है मतलब, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही पीसफुल शांत लोग और साफ़ सुथरे रहने वाले, हाइजीनिक से बढ़िया, और मंदिरों के अंदर और धर्म के अंदर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं और शांति से रहते हैं यार, किसी को कुछ परेशान नहीं करना, बढ़िया अपना है ना तरीके से ज़िंदगी जीना। तो यार जिन भैया के आना था उनसे मुलाकात हो गई है और अब उनके आ गए हैं घर पे, क्योंकि मेरा काम वाम हो गया था, उन्होंने कहा कि यार तू काफ़ी सालों बाद में आया तो इसलिए क्या है कि घर पे चल और मम्मी के हाथ का क्या है कि है ना खा के जा, बढ़िया इडली सांभर बना हुआ है। इडली सांभर अभी 3-4 दिन पहले मेरे भी घर पे बना हुआ था, लेकिन ठीक है चलो कोई इतना मनोहार से प्यार से कहता है तो इस वजह से मैं उनके घर पे आ गया हूँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि शाम के बज गए 5 और अभी शायद हम लोगों के गप्पे वप्पे लड़ेंगे और 9-10 बज जाएंगे घर पे जाते जाते, तो इसलिए अगर आप लोगों ने जैसा भी ब्लॉग बनाया क्योंकि आज कुछ भी मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नीचे के ब्लॉग्स जो हैं वो देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छा मैंने ट्रैवल कंटेंट डालने की धीरे धीरे कोशिश करी है और मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा और बड़ों का यार विशेष तौर से सम्मान करें क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं।